सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिन लोगों के पास उम्मीद रहती है ऐसे लोग लाख बार हारने के बावजूद भी कभी नहीं हारती। जो दुष्टों को इज्जत देते हैं असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। 8 जून 2020 दिन सोमवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सम 7:56 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र दोपहर 1:45 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 7:18 से 8:58 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:52 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर शाम 7:45 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 8 जून 2020 दिन सोमवार, आज आप में कुछ करने और दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा बनी रहेगी। आप मजबूत और पक्के फैसले ले पाएंगी और ऐसा करने का आपका समय बिल्कुल ठीक होगा। आप अपने पुराने कर्ज और एहसानों से भी मुक्त हो पाएंगी। आप अपने शीघ्र विचार की क्षमता के कारण किसी की जरूरत के समय मदद कर पाएंगी। आज आप परिवार के लोगों के साथ समय व्यतीत करेंगी, उनका साथ आपका मनोबल बढ़ाएगा और आप अपना पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित कर पाएंगी। आपका सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बढ़ाने की जरूरत है। आज का दिन आपके लिए अपने कुछ नई चीजों से बचकर रहने और खुद को अपने काम पर फोकस रखने का है। जब आप एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो सकारात्मक परिस्थितियां आपके सामने स्वतः ही आ जाएगी। नियति उसकी कार्यवाही तय करेगी। आप अपने प्रयासों में कोई ढील ना दें। कुछ नए अवसर आपके समक्ष आ सकते हैं। अपने आप को किसी अप्रत्याशित बदलाव के लिए तैयार रखें। अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव से संकोच ना करें। किसी नए जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है। सावधानियां, किसी बाहरी व्यक्ति से बहस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसकी वजह से आप कुछ डिस्टर्ब रहेंगी और अकारण ही क्रोध आएगा। अतः मेडिटेशन का सहारा लें और आत्म मंथन करें। किसी को भी उधार पैसा ना दे तो अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो आपका कोई नजदीकी आपके और करीब आना चाहता है, लेकिन आप इसे बस दोस्त तक रखना चाहते हैं। अगर आप इस आदमी को खुलकर अपने भावनाएं बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि इस आदमी से आपको बहुत प्यार और देखभाल भी मिली है और इसने कई बार आपके कठिन समय में आपका ध्यान रखा है। मेरी सलाह यह है कि आप अपने फैसलों के बारे में दोबारा सोच लें। करियर की बात करें तो आप समस्या पैदा नहीं करती, लेकिन आज आप अपने को घिरा हुआ पाएंगे। आप अपना आपा खो सकती हैं। आप अपने को शांत बनाए रखें और समस्याओं को एक एक करके निपटाएं। आपको देर तक अपने कार्यालय में कार्य करना पड़ सकता है। अपने कार्य को ढंग से समाप्त करने की ओर ध्यान लगाएं। सेहत की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि आज पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। पिछले कुछ समय से आपकी समझ में भी यह बात आ गई है कि आप संतुलित भोजन करें और खूब पानी पिए।
आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।